गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड टूडेज वीडियो मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम एज वी नो दैट कि 23rd ऑफ जैन को एयर इंडिया एक्सप्रेस फाइनली हायर कर रही है. ओके फाइनली. सो बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जिनको इतना मतलब उनके बारे में नहीं पता होता है, उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में, उन लाइक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले जाने हैं, हमें कैरी करने हैं, और कितनी लड़कियों को इस प्रोसेस के बारे में इतना नहीं पता है. तो मैं आज आप लोगों को वो सारा प्रोसेस बताऊंगी इन दिस वीडियो. अब बात करते हैं हम इनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की. पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पूरा तरीके से बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि सबको ये पता है कि जो जितने भी एयरलाइंस के इंटरव्यू होते हैं बेसिकली वो लोग पहले डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं. ठीक है. सो गाइज पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप जब भी एयर इंडिया एक्सप्रेस के इंटरव्यू में जाओ तो आपको पहले सबसे पहले जो काम करना है वो करना है आपको रजिस्ट्रेशन. ठीक है. आप उनकी वेबसाइट पे जाके career.com पे आप अपना स्लॉट रजिस्ट्रेशन लाइक रजिस्टर कर सकते हो. ठीक है. तो पहले आपको रजिस्टर करना है, देन उसके बाद आपको एक एनडी कोड मिलता है. ठीक है. उनकी तरफ से एक आपको मेल प्रोवाइड होता है, उसके अंदर आपको वो एनडी कोड देते हैं. तो वो जो मेल होता है, एक सेकंड मैं आपको वो मेल दिखा देती हूँ कि वो. तो गाइस मैं आपको एनडी कोड जो उनके तरफ से जो मेल आता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. तो गाइस कुछ ऐसा मेल हमारे पास रिसीव होता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, कुछ ऐसा मेल आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ. तो गाइस उसमें वो लोग पूरा सब कुछ लिख देते हैं पहले आपको कि आपको कौन कौन से लाइक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट लिख देते हैं वो लोग, एंड इसमें आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी मतलब अवेलेबल होता है इसके इस मेल के अंदर. ठीक है. तो आपको जब जाना होगा इंटरव्यू पे, ठीक है, अगर आपने जो दिल्ली में इंटरव्यू है 23rd जैन को उसके लिए अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपके पास ये मेल आ चुका होगा और उसमें सारी चीजें लिखी हुई, तो आप प्लीज इसको एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना अच्छे से. एंड देन और गाइस मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इन्होंने ये भी लिख रखा है, रिक्वेस्ट यू ऑल टू कैरी योर वायर्ड हेडफोन्स फॉर द इंग्लिश टेस्ट. ओके गाइस जो उनका फर्स्ट राउंड होता है वो होता है हमेशा से बीएमआई राउंड. ठीक है. तो गाइस उस राउंड में क्या होता है कि वो लोग आपका बीएमआई और वो लोग आपका हाइट एंड वेट चेक करते हैं. ठीक है. उस हाइट एंड वेट चेक जब वो करते हैं आपका, तो उनकी जो हाइट रिक्वायरमेंट है, उनकी हाइट रिक्वायरमेंट फीमेल्स के लिए होती है 157 सेंटीमीटर. ठीक है. अगर आप 156 भी हो तो वो आपको नहीं लेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोजिशन. ओके. सो आपको वो लोग बोल देंगे कि आपकी इतनी हाइट है और हम आपको नहीं ले सकते क्योंकि ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको मना कर देंगे. ठीक है. तो गाइज अब आपको मैं बता देती हूँ बीएमआई कितने रेंज में होना चाहिए. ठीक है. तो गाइज आपका जो बीएमआई है वो 18 to 20 के बीच में होना चाहिए, इट इज़ अ नॉर्मल. अगर आपका ज़्यादा होता है फिर कम भी होता है तो वो लोग आपको बता देंगे जैसा भी होगा. ठीक है. उनका सेकेंड राउंड होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन राउंड. तो गाइज मैंने आपको जैसे बताया आपको 5 डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर कैरी करने ही करने हैं, अगर आपके पास उनमें से एक भी मिसिंग हुआ तो वो लोग आपको बोल देंगे कि आप एलिजिबल नहीं हो. ठीक है. तो गाइज डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट आपका होता है उस टाइम, तो मैंने आपको जो बताया पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड रिज्यूमे एंड 10th 12th की मार्कशीट एंड कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. ओके. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं वहाँ पर, और आपका जब डॉक्यूमेंटेशन राउंड होता है तो उसमें आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं. ठीक है. तो आपके अगर सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो लोग आपको नेक्स्ट राउंड के लिए लाइक वेट करने के लिए बोलते हैं कि आप वेट करो, तो आपको वो बताते हैं कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो. ठीक है. तो ये उनका जो थर्ड राउंड होता है वो होता है इनिशियल पर्सनल इंटरव्यू राउंड. सो इसमें आपको वो लोग लाइक 10 के ग्रुप में वो आपको एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा होता है, तो वहाँ पर वो आपको ले जाते हैं और वो आपको ऐसे करके बिठा देते हैं 1 by 1 आपको चेयर्स पे. ठीक है. इधर चेयर्स होती हैं और सामने हमारे होते हैं एचआर. आप जब थर्ड राउंड में सिलेक्ट हो जाते हो तो वो लोग आपको बोलते हैं वेट करने के लिए कि आप रिजल्ट्स का वेट करो, देन हम उसके बाद आपको बताएंगे कि आप फोर्थ राउंड के लिए एलिजिबल हो या फिर आपको वापस घर जाना पड़ेगा. ठीक है. तो वो आपको थर्ड राउंड के बाद वेट करने के बाद फाइनली थर्ड राउंड का रिजल्ट वेट करने के बाद आप लोग जाओगे फोर्थ राउंड के लिए. अगर आप इसमें क्लियर कर देते हो थर्ड राउंड, तो देन वो लोग आपको फोर्थ राउंड के लिए बोलेंगे कि आपको फोर्थ राउंड आपका कंडक्ट होने वाला है, आप रेडी रहना. ठीक है. तो जो फोर्थ राउंड होता है उनका वो होता है असेसमेंट टेस्ट. तो बेसिकली ये होता है इंग्लिश वर्सन टेस्ट. वर्सन ऐप से ये लोग आपका टेस्ट लेते हैं, इंग्लिश टेस्ट. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें आप पहले मैं आपको बता दूं जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपको उन्होंने बोला है कि आपको अपने वायर हेडफोन्स या एयरप्लग्स जो भी आपको सूट करता है आपके पास जो भी आप वो लेके जाओ वहाँ पर,
ताकि आप लोगों को जब वो इंटरव्यू के लिए भेजें, इंग्लिश टेस्ट के लिए भेजें, तो आप उसको यूज़ करके आप उसको इंग्लिश टेस्ट अपना अच्छे से दे सको। ठीक है, जो हमारा असेसमेंट टेस्ट होता है उसमें क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। उसमें होता है आपको वो लोग एक QR कोड देते हैं, ठीक है, आपको बोलते हैं कि आप अपने फ़ोन से उसको स्कैन कर दो। सो यू हैव टू स्कैन द QR कोड फर्स्ट, देन उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको वो आप जब उसको स्कैन कर लोगे तो उसके बाद आपका एक क्रोम पे या फिर जो जिस जहाँ पर भी आप स्कैन करते हो वहाँ पर आपको एक पेज ओपन हो जाता है। उस पेज के अंदर उसमें इंग्लिश ग्रामर टेस्ट होता है पूरा, ठीक है, तो आपको वो ग्रामर टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग होता है कि लाइक वो कौन सा आपको QR कोड या फिर कौन सा इंग्लिश ग्रामर टेस्ट आपको वो दे रहे हैं, तो ये आप वो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे आपको इंग्लिश टेस्ट ग्रामर का मिल जाता है। सो गाइज, उसके बाद ग्रामर टेस्ट के बाद हमारा जो साफ जो एकदम फाइनल रिव्यू होता है वर्सन इंग्लिश टेस्ट का, वो ये होता है कि आपको वो लोग एक स्पीच देते हैं। ठीक है, आपको पहले अपने वो एयर प्लग्स जो भी आपका हेडफोन जो भी आपको उसको फ़ोन से कनेक्ट करना है, देन उसके बाद वो आपको एक पैराग्राफ देते हैं, लेकिन एक स्पीच देते हैं। ठीक है, तो वो स्पीच आपको अच्छे से केयरफुली सुननी है, देन उसके बाद वहाँ पर आपको टाइप करना है। ठीक है, लाइक वो स्पीच में आपको क्वेश्चंस करते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं। वो जब वो क्वेश्चंस करते हैं तो आपको वो टाइप करके उसको आंसर फ्रेम करना होता है। नीचे एक टैब दे रखा होता है और विथ द कीबोर्ड, ठीक है, तो आपको उस कीबोर्ड की हेल्प से पूरा आंसर फ्रेम करना पड़ता है कि आपको वो लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें स्पीच में, तो वो आपको अच्छे से फ्रेम करना होता है। सो गाइस, इस इंग्लिश टेस्ट का रिजल्ट होता है स्कोर के अंदर। लाइक अगर आपके लाइक वैसे तो 4th स्कोर वाले पास आउट हो जाते हैं, वो क्लियर करते हैं जिनका 4th स्कोर जो। सो गाइस, जो 5th राउंड होता है वो फाइनल राउंड होता है, और गाइस उस फाइनल राउंड में जो होता है पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, आफ्टर 5th राउंड यू विल गेट सिलेक्टेड, सो वो आपको एक ऑफर लेटर देते हैं। सो सारा प्रोसेस तो आपको बाद का पता ही है क्या क्या होता है, मेडिकल्स होते हैं, देन उसके बाद आपको दोबारा से आपका मेडिकल्स होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, देन आपको वो बुलाते हैं। ठीक है, सब कुछ आपको। सो गाइज, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सारा प्रोसेस बता दिया, एंड जितने राउंड्स कंडक्ट होते हैं सब बता दिया, और डॉक्यूमेंट्स का भी मैंने आपको एक अलग से मतलब शेयर करा है कि क्या क्या आपको वहाँ पर लेके जाने। गाइज, आप जाओ इंटरव्यू देने और अच्छे से इंटरव्यू दो, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। एंड सो गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लाऊंगी। और सो गाइज, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो टेक केयर, बाय।